जय शनिदेव बोलो। इसको पूरे शरीर में दोष है, चलो निकल जा, निकल जा अभी यहाँ से, चल इसको पूरे शरीर में दोष है, कोई फूट की जरूरत नहीं उसको। लाइन में नहीं लगना, बैठो बैठो, हाँ हाँ हाँ, फटाफट आओ फटाफट, पहली बार वाला कोई नहीं लगेगा लाइन में, बैठ जाओ खड़े। क्या महसूस हुआ अभी आपको, कुछ महसूस हुआ? चलो आप ठीक हो, आपको कुछ महसूस हुआ? ठीक है, वो सब ठीक है, चलो आपको कुछ महसूस हुआ? चलो चलो, आपको कुछ महसूस हुआ भाई? ठीक है आप ठीक, आपको कुछ महसूस हुआ कहीं भी? चलो आपको क्या महसूस हुआ? चक्कर आ गया आपको, दिक्कत है अभी? चलो चलो माता जी वहाँ बैठो, वहाँ से वहाँ तक थोड़ा दर्द रहता है, वहीं कभी कभी खिंचाव होता है, वहीं कभी कभी दर्द होता है। चलो ठीक, आओ आओ भेजो, चलो चलो माता जी, अरे वो ठीक हो जाएगा, चलो इसके लिए वो बता थोड़ी ना पाएगी मुझे क्या है क्या, इसका काम दुखता है। हाँ करी सुनील, चारों तरफ से दिखा, चारों तरफ से दिखा, इधर आ जाए, इधर उधर नहीं आया, फोन बंद करे, किसका है फोन बंद करो भाई, फोन बंद करो, ये काका ही कपड़ा ऊपर करो, यहाँ खड़ी हो, यहाँ चलो चलो चलो, ये दोनों गई, दोनों को चढ़ गया बुखार, वो तीसरी भी गई, हाँ जी चल गई, इसका बच्चा पकड़ो, पकड़ो, पकड़ लिया पकड़ लिया, छोटा बेटा ये भी गिरेगी, ये तीनों गिरेंगी, चारों वो गिर गई, ज्यादा से ज्यादा बैठा दो, नहीं खड़ा पैनल तो आगे आ गया, वो बैठा दे इसको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण इलाज चल रहा है और केवल फूंक मारने से ही सारी बीमारियों का यहाँ पर निवारण किया जा रहा है, परम पूज्य मनु पुजारी केवल फूंक मारने से ही शरीर की सारी बाधाओं को बता रहे हैं और पता चल रहा है कि उनकी फूंक कहाँ लगी है, कहाँ उनको महसूस हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी लेडीज किस तरह भूख लगने से बैठ गई हैं, इनके ऊपरी तत्व इनके ऊपर आ चुके हैं, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। हाँ भूख कहाँ तक लगी? पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, चलो अभी दिक्कत है, कौन सी बार आई है? हाँ अभी दिक्कत है तुझे, इसका मतलब तेरे अंदर की बहुत सारी चीजें निकली है यहाँ और निकलेंगी अभी, चलो 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 चलो, भाग के भाग के, चलो छाती में दिक्कत है तुझे, एक फोन बंद कर और इसको काट गले में से धागों को और यहाँ के, हाँ तत्व बंधा, जब बंद जाता है अपने धागे वागे काट के हवन कुंड में डाल देना भाई, लोगों को निवारण कर रहे हैं, आपको कहाँ भूख लगी? आपके कंधों में और छाती में यही दिक्कत होती है आपको, कमर में भी गई है और कहाँ कहाँ भाई, एक सेकंड, ओ भैया रुक जाओ, कितनी जोर से बोलना पड़ रहा है मुझे ये तो देख लो, आपके कारण आप इधर से बोल रहे हो, मैं इधर से बोल रहा हूँ, ना तो आपकी बात सुना इधर ही ना मेरी बात सुना, घबराहट हो रही है, कंधों में हो रहा है दिक्कत, यहाँ यहाँ आपको फूंक नजर आई, चलिए इनको वही दोष है, बोले शनिदेव महाराज की, हाँ कहाँ बता नहीं पा रही है ना, पूरे शरीर में लगी फूंक, चलो जाओ चलो, मुझे कहाँ लगी फूंक? हृदय में, छाती में, और कहाँ लगी? यही यही लगी, वही वही दोष रहा है, वही दिक्कत होती है तुझे, घबराहट होती है, बस चलो, हाँ जी वहाँ खड़ा कर भाई लाइन से, ये महिलाएं कान के ऊपर से बाल हट रहे हैं अपने, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ ऊपर हो जाओ, मत ऊपर यहाँ जाओ, सुनील भैया यहाँ से दिखा दे, यहाँ जाओ संजय पानी लेके आ, ठंडा सा
अरे मैंने तुम्हें दो आदमियों पे करके दिखाना था, तुमने पूरी स्टोरी कर दी। फोटो दुखने लगे। सच्चे दरबार की जय। बोलो सबसे अच्छे दरबार की जय। सही नाम की जय। बोलो मनु भैया की जय। रुक जाओ रुक जाओ, ये आओ अभी मारो कॉपी चेक करना। रुक जाओ रुक जाओ। हां भाई देविंदर, अरे फूंक कहाँ महसूस हुई देविंदर? वो हुई है सिर में, एक तो दर्द रहता भारी पन। अरे फूंक कहाँ महसूस हुई? कान में। कान में बस। चल चलो झपट्टे लगते हैं। हाँ कान में। कान और तो कहीं नहीं गई? चलो सर सर में लगी है आपको? सर भारी पन रहता है, दर्द रहते हैं? चलो हाँ जी कान में ही लगी। चलो आँखें बड़ी बड़ी हो गई, इसका मतलब आँखों में अभी दोष है। और पेट में लगी है, उबकाई सी आने लगी एकदम से, इसका मतलब दोष पेट में रह रहा है अभी और आंखों में रह रहा है। चलो आंखों के रास्ते घुसते हैं। चलो चलो चलो। आंखों में और पैरों में, इसका मतलब आंख में और पैरों में दोष है, पैरों में दर्द रहता है तेरे, आंखों में जलन होती है तेरे। हाँ तो इसको तालियां बजा दो, दोष का पता चला तुझे। कंधे पे इसका मतलब दोष है, कंधे पे अभी। कमर में? हाँ ठीक है, कमर में दर्द रहता है तुझे। हाँ हाँ भी चलते हैं। ये तो अपना रोग बताने लगी। चलो इसको ना पता फूक का मतलब क्या था। बोलो शनिदेव महाराज। चौथी बार पांचवी बार। रुको रुको रुक जाओ, रास्ते में चढ़ जाओ ना। चल रास्ते में चढ़ जाओ, साइड में नहीं नहीं इधर इधर खड़े हो जाओ। पीछे क्या लगा? सुन हो गया सर? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चक्कर नहीं आ रहे? आपको कुछ हुआ? चलो ठीक है। हाँ जी चक्कर है, चक्कर आ गए सर में। चलो दोष सर में, आओ आओ भाई सर में चक्कर आ रहे। कुछ नहीं हुआ, ठीक होगी। चलो तालियां बजा दो इसके लिए। कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक हो गए। ये तो ठीक हो गए। चलो अपने घर में दीप दर। कई बार आई है, ठीक हो गई है तकरीबन, ना के बराबर तत्व रह गया है। ऐसे ही उस बहन जी का है, वो भी ठीक हो गई तकरीबन पूरे, यानी कि 99% ठीक हो चुके हैं। ये ठीक होने की विधा है शनि धाम में। चलो चक्कर आ रहे हैं, अभी दोष रह रहे तुझे। चलो हाँ अभी ठीक है, आज भेजो नहीं तुझे दोष है। चलो तेरा तो दिख रहा है। हाँ क्या महसूस हुआ? चलो चलो अब ठीक हो गया। चलते जाओ ये रुको, फिर उधर चले जाओ, पीछे चलो, खड़ा करो जाओ, पीछे जाओ। चलो जाओ जा खड़ी। चलो रुको रुको रुको।
नहीं खड़ी हो क्या महसूस हुआ बेटे आपको? दिल की धड़कन तेज होगी, इसका मतलब छिपा हुआ दोष है आपको और बार बार आपको हार्ट बीट बढ़ती होगी, है ना। चलिए डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं? नहीं अब यही इलाज कराना, डॉक्टर का इलाज की कोई जरूरत ही नहीं आपको। चलो आपको क्या महसूस हुआ? हाँ हाँ आ जा, छोड़ दे, तेरे साथ है क्या? मम्मी है, इसको पूरे शरीर में दर्द है। कौन सी बार आई है ये? तो पहली दूसरी बार आई है, हर बार, लेकिन आज इसने अपना परीक्षण कराया, इससे पहले नहीं कराया। चलो हाँ जी, कुछ तो है जो इतनी खेल गई। हाँ इतना है, प्रेत है। बोलो क्या हुआ, क्या महसूस हुआ? कुछ नहीं, पूरे शरीर में महसूस हुआ है, बता नहीं पा रही है। चलो चलो हाँ जी हो गया, चलो हाँ जी चलो हाँ जी ठीक है। चलो कहाँ महसूस हुआ? पूरे शरीर में, एक साइड में महसूस हुआ, इसी साइड में दिक्कत रहती है, इसी साइड में दर्द रहते हैं, इसी साइड में परेशानी रहती है। चलो चलो हाँ जी चलो, आप इधर से क्यों आए भाई? गलत तरीके से भाई साहब से पूछो क्या हुआ भाई साहब। अभी कुछ हो रहा है आपको, कुछ महसूस हुआ आपको? हाँ तो इसका मतलब दोष है अभी आपको। कौन सी बार आए? तीसरी बार? पहली बार। पहली बार आए? आपने अंदर चेक नहीं कराया? कराया था। फिर तो बैठो, आपको बताया ना उन्होंने कुछ है? तो उसकी पर्ची कटा ली आपने? अगली बार कटवाएंगे, अभी पहली बार आए हैं। अगली बार जब आओगे ना 25 तारीख के बाद, 125 रुपए लेके आना ना, आपकी फीस बच जाएगी, पैसे बच जाएंगे, है ना। नहीं, हम तो आए सर पहली बार। अरे पहली बार आए, जब ही तो बता रहा हूँ, तो पहली बार जब इलाज कराने जाते हैं तो एक पर्ची कटती है कि नहीं कटती है, आपको चेक कर दिया, और फिर यहाँ भी लाइन में लग गया, वहाँ भी लाइन में लग गया। चल चलो चलो, अभी करवा मत करवाना, हमने कपड़ी है तेरी। चलो पूछ भाई, पहली बार वाला कोई लाइन में तो नहीं है? कहते कहते दिक्कत आ गई है, इनके दिमाग में दर्द रहता है, इनको यही नहीं पता होता हम क्या कह रहे हैं। अरे पहली बार वाले लाइन में ना लगे भाई। कौन सी बार आया? ना खड़े हो, रोक भाई, हाँ घबराहट और दिल की धड़कन, इसका मतलब यहीं तक तत्व रह गया, पहले से ज्यादा लाभ मिले हैं, है ना, आराम हो गए हैं, आपने अभी और आना है, आपको डॉक्टर की कोई बीमारी नहीं है, जो घबराहट और दिल की धड़कनें बढ़ती हैं ये सारी हमारे कारण। चलो उपित वायु करोगे हैं, घबराहट हो रही है, चलो आओ अभी। हाँ जी चलो चलो चल चल, वो नहीं पूछने का टाइम, धड़कन बढ़ी है, हाँ तो वहीं दोष रह गया था थोड़ा सा, हाँ सिर चक्कर आ गया, सिर में दोष रह गया, चलो थोड़ा सा, हाँ जी हाँ सरसा और घबराहट सा, इसका मतलब मामूली तत्व रह गया, आपको पहले से ज्यादा आराम लग गए। चलिए फोंग मारी, घबराहट हुई, इसका मतलब अभी तत्व रह रहा, हाँ भाई घबराहट हुई है, चलो बोलो शनिदेव महाराज की। भेज 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 भेज, वही थोड़े से खड़े रहना भाई, तुम्हें घूमना है चारों तरफ। पहली बार वाले चलो
पहली बार अभी फूक मारी मैंने कान में तेरे, सिर दर्द हुआ अभी, दिक्कत है तुझे, चलो। हाँ जी, घबराया अभी थोड़ा सा, तत्व रह रहा है मामूली सा सिर में, और यहाँ यहाँ लगी अभी रह रहा है तत्व, चलो ये दिक्कत आपको हमारी है, ठीक है चलो ठीक। सांस नहीं, नॉर्मल सांस लेने में दिक्कत होने लगी, इसका मतलब अभी तत्व रह रहा है, और तेरे को श्वास में ही दिक्कत होती थी, तू डॉक्टरों से श्वास की ही दिक्कत की दवाई लेता था, है ना, यही है। तालियां बजा लो, बोले सुनिधि महाराज की। भैया बहुत ज्यादा आराम है, मैं जी गया हूँ, नया जीवन पा लिया। हाँ तुझे क्या हुआ? अरे फूंक मारी है, कहाँ गई है फूंक? चल सही है तो सही है, चलो चलो चलो। ए शोर किस लिए आ रहा है, कमर सीधी करके जाप करे। जरा उतारा करना है, उतारा कर दो। मुकेश चुप, तेरे की कमर सही है।